आज वंचित बहुजन अघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट की तरफ से जो है एक जॉइंट हमने कमिश्नर साहब को निवेदन दिया है कि शहर में जो 600 स्क्वायर फीट के जितने मकानात हैं उनके ऊपर टैक्स माफ़ किया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि शिवसेना ने अभी जो है बॉम्बे के अंदर 500 स्क्वायर फीट के घरों के ऊपर टैक्स माफ़ किया गया है। और मैं उद्धव ठाकरे साहब से कहता हूँ कि आप जो है औरंगाबाद के साथ जो है सौतेला सलूक मत करें, क्योंकि जब शिवसेना पनपी थी महाराष्ट्र के अंदर तो पहले जो है उन्होंने बॉम्बे कब्ज़ा करे थे और दूसरे पे जो है औरंगाबाद कब्ज़ा करे। तो बॉम्बे के लिए तो आपने राहत दे दिए, लेकिन औरंगाबाद के लिए जो है हम उनसे गुजारिश ये कर रहे हैं कि 500 का ठीक है, बॉम्बे में 500 चल जाता है, लेकिन कम से कम औरंगाबाद में 600 स्क्वायर फीट से आगे के प्लॉट्स यहाँ पर रहते, तो हम कम से कम 600 स्क्वायर फीट के जो मकानात है या जो प्लॉट है ये है उनको माफ़ कर दिए। उसकी वजह भी ऐसी है कि कॉरपोरेशन जब यहाँ पर बनी थी 88 के अंदर, उसके बाद से जो है औरंगाबाद शहर में जो है बहुत तेज़ी से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के बाद जो है जो बाहर से लोग यहाँ सबसे ज़्यादा जमा हुए, तो उन्होंने 600 स्क्वायर फीट के जो मज़दूर तबके के लोग हैं, जो रोज़ कमाने खाने वाले जो लोग हैं, तो ऐसे लोगों ने जो है 600 स्क्वायर फीट के प्लॉट लेके अपना टीन के घर बनाए और उसके अंदर और लोग रहते। तो हमारी गुजारिश है यहाँ पर कमिश्नर साहब से कि ये जो है जो निवेदन हमने दिए इसका जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस जो है पॉजिटिव जो है वहाँ पर जो है अपनी नुमाइंदगी करें हमारी तरफ से मुख्यमंत्री के पास, और जो है इसको जो है मंजूर करा के ले। और अगर ऐसा नहीं होता है, खुदा ना खास्ता, अगर ये यहाँ पर प्रशासन कॉरपोरेशन का प्रशासन भी इसको अगर ठंडे बस्तों में लेने की कोशिश करता है, तो फिर वंचित बहुजन अघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट अपने ढंग से उनको समझाने की कोशिश करेगा। और अपने ढंग से समझ लो कि हमारा ढंग बड़ा मोहब्बत वाला ढंग है, और फिर वो मोहब्बत से बराबर हम समझाएंगे उनको। ये बात थी। आप तमाम लोगों ने यहाँ पर आके, हम मीडिया के पूरे लोगों ने यहाँ आके हमारे को यहाँ पर जो है बहुत हिम्मत अफजाई हमारी की, इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर एक बार कमिश्नर साहब से गुजारिश करते कि ये 600 स्क्वायर फीट का जो प्रपोजल है इसको मंजूर किया जाए। इलेक्शन में वो सामने नजर आएंगे, उस बारे में क्या बोलेंगे? तो ये जो लोग जीत के सत्ता में चले जाते ना, फिर वो पब्लिक को पूछते नहीं, खामोश बढ़ जाते। लेकिन मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट और वंचित बहुजन अघाड़ी पहले से जो है अवामी नुमाइंदगी कर रहे हैं, यानी जो छोटे तबके के दबे कुचले जो लोग हैं उनकी नुमाइंदगी, अकलियत की जो लोग हैं, तो ये दोनों तंजीमें जो है, दोनों पार्टियां जो है अच्छी तरीके से काम कर रही है, और आने वाले वक्त में भी इंशाल्लाह जो है पूरे शहर में जो है वंचित बहुजन अघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट जो है अपनी पूरी ताकत के साथ जो है लोगों के मसाइल हल करेंगी। जो कॉरपोरेशन में निवेदन देने आए हैं तो उस बारे में बताइए। आज मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट और वंचित बहुजन अघाड़ी के संयुक्त विद्यमान से एक निवेदन देने के लिए हम यहाँ पर महानगर पालिका में आए थे। एक मांग लेकर हम जनता की यहाँ पर आयुक्त के पास आए थे। मुख्यमंत्री महोदय ने नए साल के तोहफे के तौर पे मुंबई में एक घोषणा की थी कि जितने भी 500 स्क्वायर फीट के घर है उनका मालमत्ता कर जो है वो टैक्स माफ़ किया जाएगा, और उसका इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने मुंबई में किया भी है। अब मुंबई के हद तक ये बहुत सही फैसला है, क्योंकि मुंबई में घर छोटे होते हैं, इसलिए 500 स्क्वायर फीट तक बहुत ज़्यादा लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन MMR रीजन के बाहर अगर हम देखते हैं, मुंबई के इलाके के बाहर अगर हम देखते हैं, तो कम से कम 20x30 से प्लॉट शुरू होते हैं, तो ये 600 स्क्वायर फीट के आगे ही लोगों के घर होते हैं, छोटे छोटे मकान होते हैं, और औरंगाबाद में ऐसे छोटे मकानों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमारी मांग है कि ये जो 500 स्क्वायर फीट का फैसला मुख्यमंत्री साहब ने लिया है उसे औरंगाबाद के हद के लिए 600 स्क्वायर फीट का किया जाए, और जितने भी 600 स्क्वायर फीट के घर है उनको मालमत्ता कर जो है वो माफ़ किया जाए, क्योंकि कोविड की वजह से लोगों की नौकरियां गई है, लोगों के धंधे बंद गिर गए हैं, लोगों का रोज़गार डूब गया है, और ऐसे हालात में जो ईमानदार लोग है, जो टैक्स भरना चाहता है, लेकिन उनको भी आज ये टैक्स पे करना संभव नहीं हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये 500 का जो निर्णय है 500 स्क्वायर फीट का, उसे बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि औरंगाबाद के हद में 500 स्क्वायर फीट से किसी को मुनाफा नहीं होगा, इसका किसी को बेनिफिट नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा घर जो है वो 600 स्क्वायर फीट से आगे के हैं। तो इसलिए हमने आज मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के नेता जावेद भाई और वंचित बहुजन आघाड़ी के जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष और शहर जिला पदाधिकारी और हमारे नेता कृष्णा भाऊ बनकर, इन सब के साथ मिलकर आज वंचित बहुजन आघाड़ी और मुस्लिम इत्तेहाद फ्रंट के तरफ से एक जॉइंट निवेदन हमने आयुक्त साहब को दिया है, और उन्होंने बहुत ही पॉजिटिवली इस विषय को लिया। उन्होंने कहा कि ये जल्द ही मुख्यमंत्री महोदय के पास ये विषय रखेंगे और इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे।